Hey guys, welcome back to our channel Bollywood Bustle. मैं विंध्या. आज की टॉप खबरें सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. सलमान खान के घर पर गोली चलाने वाली गन मिल गई. पुलिस ने आज गुजरात के तपी नदी से सलमान खान पर गोली चलाने के लिए इस्तेमाल की गई दो पिस्तौल्स को रिकवर किया है. अथॉरिटीज द्वारा शेयर की गई वीडियो में हम देख सकते हैं कि कैसे एक डाइवर पानी के अंदर से बाहर आ रहा है पिस्तौल के साथ. पिस्तौल्स के साथ 3 मैगजीन्स और 13 बुलेट्स भी मिली है उन डाइवर्स को. क्या आमिर खान अपनी डेब्यू फिल्म से खुश नहीं थे? आमिर खान ने आज रिलीज की अपनी डेब्यू फिल्म कयामत से कयामत की सॉन्ग पापा कहते हैं का नया वर्जन. ये गाना राजकुमार राव की अपकमिंग फिल्म श्रीकांत में है. और आज गाने के रिलीज इवेंट पे आमिर ने बताया कि भले ही कयामत से कयामत उनकी डेब्यू फिल्म थी, लेकिन जब उन्होंने फिल्म को रिलीज से पहले देखा तो उन्हें बस फ्लॉस ही फ्लॉस नजर आई और उन्हें लगा कि शायद पिक्चर नहीं चलेगी. क्या शाहरुख खान जल्द नजर आने वाले है डॉन के कैरेक्टर में? शाहरुख खान बहुत जल्द लौटने वाले है डॉन के किरदार में, लेकिन फारहान अख्तर और रणवीर सिंह की डॉन 3 में नहीं बल्कि अपनी बेटी सुहाना खान की बिग स्क्रीन डेब्यू में. पिंक विला के लेटेस्ट रिपोर्ट्स में आज रिवील किया गया कि शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म किंग में एक डॉन का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे. फिल्म से जुड़े एक क्लोज सोर्स ने मीडिया को रिवील किया, शाहरुख खान अपनी ऑडियंस के लिए फिल्म्स बनाना चाहते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है कि लोग अब उन्हें एक ग्रे कैरेक्टर निभाते हुए देखना चाहते हैं और इसी वजह से सिद्धार्थ आनंद और सुजॉय घोष ने किंग फिल्म में शाहरुख खान के लिए एक ऐसा कैरेक्टर लिखा है जो फुल ऑफ एटीट्यूड और स्वैग होगा कुछ ग्रे हिंट्स के साथ. सिद्धार्थ आनंद फिलहाल एक्शन टीम के साथ फिल्म के सीक्वेंसेस फाइनल कर रहे हैं, सुजॉय घोष स्क्रिप्ट में डायलॉग राइटिंग को ओवरसी कर रहे हैं और शाहरुख खान सुहाना के साथ किंग की एक्शन सीक्वेंसेस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहा उस सोर्स ने. आपको बता दें कि सुहाना और शाहरुख खान की फिल्म किंग अगले महीने फ्लोट्स पर जाएगी मुंबई में. सुहाना और शाहरुख खान मेंटोर और स्टूडेंट का रिश्ता निभाते हुए नजर आएंगे इस फिल्म में. नौरा फतेही क्यों है इंडियन पैप से नाराज? आज एक इंटरव्यू में नौरा फतेही ने रिवील किया कि इंडिया में पैपराजी कल्चर के इंक्रीज के चलते मीडिया इंडस्ट्री में काम करने वाली औरतों की प्राइवेसी इफेक्ट हो रही है. नौरा ने कहा कि पैप्स अक्सर उनकी बॉडी पार्ट्स पर जूम इन करते हैं और उन्होंने ये दूसरी हीरोइंस के साथ भी होते हुए देखा है और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इसकी जरूरत क्या है. वो ऐसे बिहेव करते हैं कि उन्होंने पहले कभी बॉडी पार्ट्स नहीं देखे. वो ऐसा क्यों करते हैं ये तो एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन ही है, लेकिन मैं हर एक पैपराजी को सबक तो नहीं सिखा सकती, इसीलिए मैंने अब इन सब को इग्नोर करना सीख लिया है. मैं अपनी स्किन में काफी कॉन्फिडेंट हूँ और कोई क्या सोचता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहा नौरा ने. नौरा पहली ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जिन्होंने पैपराजी को स्कूल किया. इससे पहले मृणाल ठाकुर, पलक तिवारी, आयशा खान और कटरीना कैफ ने भी पैप्स को वार्न किया है कि उनकी कंसेंट के बिना वो लोग डिफरेंट एंगल से उनकी पिक्चर्स ना खींचे और उनके बॉडी पार्ट्स पर जूम इन ना करे. वेलकम टू द जंगल की नई शूट डिटेल्स हुई रिवील. वेलकम टू द जंगल इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म्स में से एक है और आज खबरें आई है कि इस फिल्म की मैसिव स्टार कास्ट बहुत जल्द साथ आने वाली है एक गाने की शूटिंग के लिए. रिपोर्टेडली मेकर्स एक डांस नंबर में पूरी कास्ट को फीचर करने वाले हैं जिसमें 30 एक्टर्स और 500 बैकग्राउंड डांसर्स नजर आएंगे. इस गाने को कोरियोग्राफ कर रहे हैं गणेश आचार्य और इसकी शूटिंग इस महीने के लास्ट वीक में की जाएगी मुंबई में. शाहिद कपूर ने क्यों ऑन किया अपना कबीर सिंह मोड? शाहिद कपूर की एक वीडियो आज सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें वो अपने एंग्री यंग मैन कैरेक्टर कबीर सिंह की तरह गुस्से में नजर आ रहे हैं. दरअसल शाहिद और मीरा रिसेंटली एक होटल के बाहर स्पॉट किए गए थे और जब पैप्स ने उन्हें फोटो के लिए घेर लिया तो शाहिद को गुस्सा आ गया और उन्होंने नाराजगी में पैप्स को बोल दिया कि वो चले जाए. ये देख के इंटरनेट पे कुछ लोग शाहिद को घमंडी बुला रहे हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि शाहिद को अपने लाइफ में थोड़े हद तक प्राइवेसी का हक है और उन्होंने बिल्कुल सही किया. इश्कविश रिबाउंड की रिलीज में आखिर क्यों डिले हो रहा है? रोहित सराफ, पश्मीना रोशन, नैना ग्रेवाल और जिब्रान खान स्टारर इश्कविश रिबाउंड की रिलीज के लिए फैंस पिछले एक साल से इंतजार कर रहे हैं और आज इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स में रिवील किया गया है कि पूरी फिल्म रेडी होने के बावजूद इश्कविश रिबाउंड के मेकर्स को कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिल रहे जिस वजह से रिलीज में डिले हो रही है. करेंटली बॉलीवुड फिल्म्स की बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स के चलते कोई भी बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा. माधुरी दीक्षित की वजह से फिल्म क्यों रिजेक्ट की मनीषा कोइराला ने?
मनीषा कोयराला अब नेक्स्ट नजर आने वाली है संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी में। और आज प्रमोशंस के दौरान एक इंटरव्यू में मनीषा जी ने रिवील किया कि वो अपने करियर में बस एक ही चीज को रिग्रेट करती है और वो है यश चोपड़ा जी की दिल तो पागल है को रिजेक्ट करना। मुझे फिल्म दिल तो पागल है ऑफर हुई थी लेकिन मैं इनसिक्योर हो गई कि फिल्म में मुझे माधुरी के साथ कंपेयर किया जा रहा है और बस उसी वजह से मैंने उस फिल्म से बैकआउट कर दिया, कहा मनीषा कोयराला ने। राजकुमार राव ने बात की स्त्री टू के बारे में। अपने अपकमिंग फिल्म श्रीकांत की प्रमोशंस के दौरान राजकुमार राव ने उनके और श्रद्धा कपूर की मच एंटिसिपेटेड फिल्म स्त्री 2 के बारे में भी बात की और कहा स्त्री 2 स्त्री से भी बिगर होने वाली है लेकिन इस फिल्म में कुछ नहीं बदलेगा, वही लोग वही दुनिया, उस फिल्म की सोल सेम होगी लेकिन कहानी नहीं। सूत्रों की माने तो स्त्री 2 की शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है और फिलहाल पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। क्या नाग चैतन्य और उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड शोभिता दुलिपाला की वेकेशन पिक्चर्स हुई लीक? समंता से डिवोर्स की कुछ महीनों बाद ही खबरें आने लगी थी कि नाग चैतन्य एक्ट्रेस शोभिता दुलिपाला को डेट कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों ने कभी इस बारे में बात नहीं की लेकिन रिसेंटली शोभिता ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया कि वो एक वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट में वेकेशन मना रही है और नाग चैतन्य ने भी उसी रिसोर्ट से एक सोलो पिक्चर पोस्ट की जिसके चलते फैंस को कंफर्म लग रहा है कि ये दोनों साथ है। आयुष शर्मा ने रोते हुए सलमान खान से क्यों माफी मांगी? आयुष शर्मा अपने अपकमिंग फिल्म रुस्लान की प्रमोशन के लिए सिद्धार्थ कनन के शो पर आए थे और उस दौरान उन्होंने अपने डेब्यू फिल्म लव यात्री की फेलियर की बात की। रिलीज के रात सलमान भाई ने मुझे कॉल किया जानने के लिए कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था। मैंने रोते हुए उनसे कहा आई एम सॉरी, मैंने आपके पैसे डुबा दिए, बताया आयुष ने। पूरा बॉलीवुड रेंट पर है, ये स्टेटमेंट क्यों पास की आयुष्मान खुराना ने? अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में बॉलीवुड में चलने वाली कॉमन प्रैक्टिस की बात करते हुए आयुष्मान खुराना ने कहा पूरा बॉलीवुड रेंट पे है, आपको लगता है हम कपड़े खरीदते हैं, हम स्टाइलिस्ट को हायर करते हैं और वो हमारे लिए कपड़े सोर्स करते हैं, फिर हम इवेंट्स में उन कपड़ों को पहनने के बाद रिटर्न कर देते हैं, हम उतने सारे कपड़े और डिजाइनर चीजें खरीद कर क्या करेंगे, कहा आयुष्मान ने। KGF स्टार यश ने रिवील की रामायण प्रोड्यूस करने के पीछे की वजह। रिसेंटली खबर आई थी कि यश दरअसल रामायण में रावण का किरदार नहीं निभाने वाले बल्कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं। और आज वैरायटी मैगजीन की इंटरव्यू में इस पर बात करते हुए यश ने कहा मेरा बहुत समय से विश था कि मैं ऐसी सिनेमा प्रोड्यूस करूं जो ग्लोबल लेवल पे इंडिया का नाम रोशन करे। रामायण का सब्जेक्ट मुझसे पर्सनली रेजोनेट करता है और इस वजह से ही मैंने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म दुनिया भर के ऑडियंस को पसंद आएगी। इस एक्टर को OG जिंदा बंदा बुलाया शाहरुख खान ने। मोहनलाल ने रिसेंटली शाहरुख खान की जवान फिल्म का गाना जिंदा बंदा पर एक इवेंट पे परफॉर्म किया था जिसकी वीडियो वायरल हो गई और आज इस वीडियो को अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए शाहरुख खान ने लिखा थैंक यू मोहनलाल सर, इस गाने को आपने अब और स्पेशल बना दिया मेरे लिए, काश मैं भी आप जितना अच्छा परफॉर्म कर पाता इस गाने पे, लव यू और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप जल्द घर पर आएंगे डिनर के लिए, आप OG जिंदा बंदा है। शाहरुख खान की हार्टफेल्ट नोट पर अभी मोहनलाल ने रिएक्ट नहीं किया लेकिन ऑडियंस इस जेस्चर से काफी इम्प्रेस हो गई है। मलयालम स्टार मोहनलाल ने इस अवार्ड फंक्शन पर काफी धमाकेदार परफॉर्मेंस की जिसकी तारीफ सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं बल्कि सारे लोग भी कर रहे हैं। शाहरुख खान के जिंदा बंदा के अलावा मोहनलाल ने रजनीकांत की रीसेंट हिट फिल्म जेलर के गाने हुकुम पर भी अपने पावरफुल मूव से सबको खुश कर दिया। इस परफॉर्मेंस को मिलते तारीफ पर अब मोहनलाल सर कैसे रिएक्ट करते हैं ये हमें देखना होगा। बड़े मियां छोटे मियां बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। टाइगर और अक्षय कुमार स्टारर बड़े मियां छोटे मियां ने डिसेंट परफॉर्मेंस देखी वीकेंड पर। फिल्म ने सैटरडे को कलेक्ट किए 8.5 करोड़ और संडे को कलेक्ट किए 9.05 करोड़ और आज डे 5 पे अभी तक फिल्म की कलेक्शंस पहुंची है 98 लाख पर। फिल्म की टोटल कलेक्शंस फिलहाल है 41.78 करोड़ पर। नेगेटिव रिव्यूज और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ना देखने के बावजूद बड़े मियां छोटे मियां मैदान से बहुत आगे है अभी कलेक्शंस के मामले में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।